أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين. صلوات على محمد وال محمد صل على محمد وال محمد وجل فرجهم. मुहर्रमराम की दूसरी तारीख़ है और सिलसिला गुफ्तु तारीख़ करबला के उन्मान से जारी है ये चंद रोज़ यहम गम जिसमें सिलसिला गुफ्तु को तारीख़ करबला के उन्मान से बढ़ाया जाएगा इस सारे सिलसिले गुफ्तु के लिए जिस आय मजीदा को सरनामा कलाम करार दिया है इसमें ख़ुदा वंद मतल हज़रत मूसा की कैफियत को बयान कर रहा है और हज़रत मूसा की कैफियत के हालत के साथ साथ हज़रत मूसा की दुआ का भी तस्कर कर रहा है कि हज़रत मूसा जब शहर से निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं जब ख़तरनाक इलाके से निकल कर पुरान इलाके में जा रहे हैं तो उनकी ज़बान पर क्या दुआ है फ़ारा जमिन हा ख़ाफ तरक्ब मूसा जब अपने शहर से यानी मिस्र से निकल रहे हैं मिस्र से जा रहे हैं तो खौफ ज़दा हैं ये खौफ उस माना में नहीं जो नबूवत के साथ साजगार ना हो और यह तरक्ब उन्हें ये अंदेशा है ये धड़का है कि अभी कोई वाकया रूनुमा होने वाला है और इसके साथ साथ हज़रत मूसा ये दुआ करते जा रहे हैं कि काला और अब नजनी मिनल क़ों में इलाहा मुझे ालमों से महफूज रख शहर ख़तरनाक से शहर खौफनाक से नाअम शहर से निकल कर मदा की तरफ जाते हुए और इसी आयत को इमाम हुसैन ने उस वक्त अपनी ज़बान पर जारी किया कि जब नाना के पुरान शहर से निकल कर नाना के मदीने से निकल कर करबला की जानब जा रहे हैं ालमों से क़यामत तक के लिए फ़ैसला कन जंग करने के लिए जा रहे हैं तो अपने ज़बान पर वही दुआ जो हज़रत मूसा ने की थी उसको अपनी ज़बान पर लाते हैं और कहते हैं कौल और जनिमिन क़ोम म यहाँ से अजमत हुसैन जहाँ से पता चलती है यहाँ से अजमत हुसैन का एक नया बाब रोशन होता है वहीं तारीख करबला का आगाज भी होता है लेकिन तारीखी वाकयात मैंने गुज्त जलसे में भी अर्ज किया था गुजश्ता मजलिस में भी ये बयान किया था कि तारीखी वाकयात जंजीर की कड़ियों की तरह से होते हैं ऐसा नहीं है कि एक वाकया दूसरे वाकिया से सेलीदा रूनुमा हो जाए तारीख़ी वाकयात की खसूसियत ये है कि हर वाकया दूसरे वाकये से जुड़ा हुआ होता है और इसी वजह से तो कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता तो तारीख़ इस्लाम का ये हिस्सा जिसे तारीख़ करबला कहा जाता है ये भी तारीख़ इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ मिली हुई है इन कड़ियों के मिले बगैर तारीख़ करबला तश्कील नहीं पाती तो तारीख़ करबला को अगर देखना चाहें तो सही माना में तारीख़ करबला इमाम हुसैन अलात के इस पूरी तहरीक का आगाज उस दिन से हुआ कि जिस दिन से यजीद की विलायत अहदी की बुनियाद रखी गई और ये कब रखी गई अगर इसको एक लिहाज से इस कड़ी को जोड़ना चाहूं, तारीख़ इस्लाम के साथ तो बड़ा मरूफ वाक्य है तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि जब बनी उमैया की खिलाफत का आगाज़ हुआ तो एक दिन बनी उमैया के तमाम अफराद बैठे हुए थे और अबू सुफियान भी उस महफिल में मौजूद थे अबू सुफियान आखिरी उम्र में नाबीना हो चुके थे तो उन्होंने पूछा रात का वक्त था तारीकी थी ज़्यादा मुतवज नहीं थे अपने साथ किसी बैठे हुए फ़र्द से पूछा कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं तो उसने कहा कि तमाम अफराद बनी उमैया के बैठे हैं और तो कोई नहीं है उसने भी अपनी जान छुड़वाने के लिए ऐसे कहा लेकिन अबू सुफियान बनी उमैया का सरदार था बहुत बड़ी शख्सियत थी तो अबू सुफियान ने उस वक्त ख़िताब करके कहा कि अब ये खिलाफत अब हुकूमत तुम्हारे पास आ चुकी है तो जिस तरह से एक गेंद बच्चों के पास आ जाती है और वो बच्चे उस गेंद को किसी से छीनने के लिए जो खेल खेल रहे होते हैं जो बाजी कर रहे होते हैं जो गेम कर रहे होते हैं उसमें कोशिश यह होती है कि कुछ बच्चे दरमियान में होते हैं और वो गेंद एक दूसरे की तरफ फेंकते रहते हैं ताकि किसी और के पास ना जाए इस मौके पर अबू सुफियान ने खिलाफत को गेंद से ताबीर किया है कि यह गेंद तुम्हारे पास आ चुकी है ये बॉल तुम्हारे पास आ चुकी है इसको एक दूसरे के सुपुर्द करते रहो ये वापस बनी हाशिम में नहीं जानी चाहिए यह वापस किसी मुसलमान के पास नहीं जानी चाहिए यह बनी उमैया के दरमियान ही रहे वहां पर इब्ने अब्बास भी मौजूद थे उन्होंने एहतजाज भी किया लेकिन इस वाक़े से मुझे सिर्फ और सिर्फ कड़ी मिलानी है कि यूं तो यह सिलसिला ये, ये तफक्कुर बनी उमैया के दरमियान बहुत पहले से राइज था कि अब यह खिलाफत हम अपने दामन से निकलने नहीं देंगे लेकिन इसकी बुनियादी ईंट इसकी बुनियाद इसको अमली तौर पर तारीख इस्लाम में सबसे पहले जिस शख्स ने बयान किया है उसका नाम है मुगीरा। मुगरा की तारीख बयान करना मेरे पेश नज़र नहीं है और सिर्फ इतना ही बता दूं कि ये वही शख्स है जिसके बारे में इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम ने कहा था कि तुम वो शख्स हो जिसने बिनते रसूल पर हाथ उठाया है इसने एतराज़ किया था इमाम हसन पे कि आप को मैं सलाम करता हूँ और मेरे सवाल सलाम का जवाब नहीं देते तो उसके जवाब में इमाम ने कहा था अंतल लजी जराबत कि तुम हो जराबत हा कि तुम हो वो शख्स जिसने बिनते रसूल पर हाथ उठाया था ये इमाम हसन मुझ सवाल सलाम यह शख्स है इस शख्स को अमीर शाम ने ये कोफे का गवर्नर था कोफे का हुक्मरान था और इकतदार की राहदारियों से बहुत अच्छी तरह से आशना था इस शख्स को अमीर शाम ने कोफे की विलायत दी कोफे की हुक्मरानी दी और उससे हटाने का फैसला किया जब ये शाम आया तो इसको हटाने का फ़ैसला किया और इसकी जगह पर सईद इब्ने आस को बनाया ऐलान नहीं किया था बस ये था कि बस अभी ऐलान होने वाला है इस तक ख़बर पहुंची इसके दोस्त इसके साथ जो अफ़राद आए हुए थे वो परेशान हुए उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे तो कहने लगा कि अगर मैं कोफे की इमारतों विलायत कोफे की हुक्मरानी तुम्हारे गोद में ला के ना डाल दूँ तो मुझे मुगैरा ना कहना शख्स इक्तदार की राहदारियों से इकतेदार की भूल भलियों से बहुत अच्छी तरह से आशना है समझता है कि किसकी क्या कमजोरी है समझता है कि किसकी क्या आरजू है इसको जैसे ही यह खबर मिली उठा है और चला गया यजीद के पास और यजीद के पास जाके कहने लगा कि जवान तुम तो जानते हो कि अहब नबी एक एक करके इस दुनिया से जा चुके हैं जो बड़ी आयान शख्सियात थीं, ये मुसलमानों के हवाले से ये बड़ी पेचीदा और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तु है लेकिन मैं इंतहाई इक्तिसार के साथ गुजर रहा हूँ यजीद के पास जाके कहता है कि तुम तो जानते हो कि आयान सहाबा सहब कराम रिजवानल तम से जा चुके हैं अब उनमें से तो कोई बड़ी शख्सियत मौजूद नहीं है आम साहबा मौजूद हैं, और इसी तरह से कुरैश की भी बड़ी बड़ी शख्सियात चली गई हैं दुनिया से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो जिसकी तरफ नजर उठाकर देखा जाए ना कुरैश में कोई है ना सहाबा में कोई है अब इस वक्त दुनिया के अंदर अगर कोई चीज बची है कोई फर्द बचा है तो कुरैशियों के और सा कराम के बेटे हैं सिर्फ अपने मकसद की तरफ आ, आना देखें इसका कहता है कि जो चंद अफराद बचे हैं साहबा में से या उनमें से तो उनके दांत घिस चुके हैं यानी इतने ज़यीफ हो चुके हैं कि अब वो किसी काम के नहीं रहे ना वो जंग कर सकते हैं ना वो सियासत कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते सहाबा के बेटे हैं शख्सियात के बेटे हैं कुरैश के बेटे हैं और तुम इन तमाम शख्सियात में ये जो बाकी बची हैं और ये जो बेटे बचे हैं साहबा के इनमें तुम सबसे अफजल हो इनमें तुम सबसे बेहतर हो और झूठ की हद देखिएगा सिर्फ ये नहीं कहता कहता है कि तुम इल्म में तुम दयानत दीनदारी में तुम सियासत में इन तमाम अफराद से बरतर हो इकतेदार के लिए झूठ झूठ की सजा इस्लाम के अंदर बड़ी वाज़े है और झूठ अगर चाहे किसी भी चीज के लिए हो झूठ खुद बुरा है झूठ की इंतहाई मुजम्मत की गई है लेकिन अगर किसी चीज के हसूल के लिए इकतेदार के हसूल के लिए इकतेदार को महफूज रखने के लिए कोई शख्स रसूल की तरफ झूठ की नस्बत दे बहुत तवज्जो कीजिएगा मैं अपनी बात कह गया कोई शख्स रसूल की तरफ झूठ की नस्बत दे अपना इकतेदार बचाने के लिए तो उसका ठिकाना कहां होगा कितना झूठ बोल रहा है कि तुम दीनदारी में तुम हर हवाले से सहाबे कराम की तमाम औलाद से अफजल हो दर हाली के हमारे नजदीक हमारी तो बात ही ना करें तशैयों की तो बात ही ना करें तमाम मसालिक इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिस वक्त मुगैरा ने यह बातें की उस वक्त अब्दुल्ला इबन उमर जिंदा हैं अब्दुलर रहमान इबन अभी बकर जिंदा हैं उस वक्त अब्दुल्ला इब्न जुबैर जिंदा हैं और दसियों साहब क़राम के फरजंद जिंदा हैं और सबसे बढ़कर फरजंदे रसूल इमाम हुसैन अला तो मौजूद हैं और मुग़ीरा क्या कह रहा है कि तुम सियासत में तुम दीनदारी में तुम इलम में इन सब शख्सियात से बरतर हो और इसका नतीजा क्या निकला कि इस बात को सुनकर खुद यजीद हैरान रह गया कहने लगा आयतिम मुजालिक क्या यह हो सकता है क्या यह मुमकिन है जो तुम कह रहे हो कहता है कि क्यों नहीं मुमकिन मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बैत क्यों नहीं ले रहा यह मुगीरा के वो जुमले हैं जो तारीख के दामन में महफूज हैं यहां से यजीद उठता है अपने बाप के पास जाता है और बाप को जाके ये चूंकि आरजुए हैं ना चूंकि ख्वाहिशात हैं वो समझता है कि कमजोरी क्या है अगर कूफे का इकतेदार बचाना है तो मुझे किस दरवाजे को खटखटाना है यजीद मुआविया के पास अमीर शाम के पास जाकर यह सारा किस्सा बयान कर देता है मुआविया बुला लेता है मुगिया को कहता है कि हां तुमने क्या कहा यजीद को कहा कि मैंने सही कहा, कहा कैसे होगा कहने लगा कि देखो दो शहर अहम हैं सरजमी इस्लाम पर जिनकी जानब से मुखालफत हो सकती है एक है कोफा दूसरा है बसरा कोफे की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द, मैं पूरे के पूरे कोफे को राम कर दूंगा यजीद के लिए और बसरा की जिम्मेदारी जियात के सुपुर्द कर दो मुआविया ने उसी वक्त अमीर शाम ने उसी वक्त फे की विला वो जो हुक्मरानी थी कूफे की जो विलायत थी इसके सपोर्ट कर दी बचा ली। बचा लिया मुगीरा ने अपना। लेकिन इस हकीकत का भी इनकार नहीं किया जा सकता जिसकी तरफ खुद मुगीरा ने जाकर जब अपने दोस्तों में पहुंचा है ना तो उससे पूछा कि हाँ क्या रहा मुलाकात में कैसी रही मुलाकात तो कहता है कि मैं अपनी इमारत बचा के आ गया हूँ और इस्लाम मुसलमानों के लिए इस्लाम के लिए एक ऐसी नागवार चीज छोड़ आया हूँ एक ऐसी जरब लगा आया हूँ उम्मत मुसलिमा पर उम्मत मुहम्मदिया पर एक ऐसी चोट लगा कर आया हूँ एक ऐसा जख्म लगा कर आया हूँ एक ऐसी जरबत वारित की है मैंने उम्मत मुहम्मदी पर जो कभी भर नहीं सकेगी ये एक ऐसी हकीकत थी जिसका एहसास मुगरा को भी था लेकिन इसने अपनी दुनिया की खातिर उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मोहम्मदिया को कयामत तक के लिए एक अजीम मुसीबत में एक अजीम मुश्किल में मुबतला कर दिया गया है ये यकूफे में मैं अभी सिर्फ मुग़रा के एक दो इकदाम की तरफ इशारा कर दूँ वरना यजीद की विलायत अहदी के लिए जो काम किए गए हैं जितनी मेहनत की गई है अगर दामन वक्त में गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह मैं मुख्तसर सा इशारा करूंगा इसने क्या किया? कियाविया ने अमीर शाम ने इसको कोफे की विलायत दी और कहा कि जाओ देखते हैं क्या करते हो तुम आया है ये शख्स कोफे में कोफे में आने के बाद इसने बनी उमैया से मोहब्बत करने वाले दस अफराद का इंतख्या किया और उनमें से हर फर्द को तीस हजार दीनार दिए ये मैं अपनी जानिब से बयान नहीं कर रहा हूं ये मुसलमानों की तारीख है ये हकीकत है ये वो हकैक हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता जिनसे मुंह मोड़ लिया जाता है इसने वहां जाकर कोफे में से दस ऐसे अफराद का इंतखा किया मुख्तलिफ अफराद को बुलाया देखा और उनमें से दस ऐसे अफराद का इंतख्या किया कि जो माल से मोहब्बत करते थे बनी उमैया के खैर खा भी थे बनी उमैया के हमनवा भी थे और दौलत से मोहब्बत करते थे पैसों की चाहत थी इनमें से हर फर्द को तीस हजार दरहम दिए तीस हन, तीस हजार दीनार दरहम मुख्तलि इबारात हैं तीस हजार तीस हजार दीनार लेकर ये लोग दमिश्क में पहुंच गए और दमिश्क में पहुँच कर मुआविया जानता है अमीर शाम जानता है कि ये किस लिए आए हैं और वहाँ पहुँच कर ये लोग कहते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया की खैर खाही के लिए आए हैं हम ये देख रहे हैं कि खलीफतुल्ल खलीफ़ इस्लाम अमीर शाम ज़ईफ़ होते चले जा रहे हैं बूढ़े होते चले जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने बाद इस सिलसिले को ख़िलाफ़त को कुछ बेहतर अंदाज़ में सरो सामान दें इसको कुछ बेहतर करें और पूछा कि तुम तुम्हारा मकसद क्या है क्या कहना चाहते हो तो कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि माशाल्लाह आपके फर्जंद यजीद जो हैं वो बड़े आ, अच्छे आदमी हैं और ये हैं वो हैं यजीद की तारीफें की हैं बैठ के इन लोगों ने तो मुआविया ने ये सारी चीज़ें सुनी और सुनने के बाद उनको भेज दिया उन्हें ये कहा कि देखो इस बात को दबाए रखो लेकिन इस राय पे कायम रहो यानी अभी अपनी जबानों से इकरार ना करना अभी अपनी जबानों पर यजीद की विलायत अहदी को लेकर ना आना लेकिन इस बात पे डटे रहना और उसके बाद इस पूरे वफद का सरबरा मुखीरा का बेटा मूसा बनकर आया था उसे खलवत में ले गया उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि इन्होंने अपना दीन कितने का बेचा है तुम्हारे बाप ने इनसे इनका दीन कितने में खरीदा है तो कहने लगा कि हर आदमी को तीस तीस हजार दिनार दिए कहने लगा कि बहुत सस्ता बेच दिया आजकल माशाला दीन बहुत सस्ता हो गया है और अभी यही मरहला नहीं ये दस अफराद का वफद वापस आया उसके वापस आने से पहले ने मुख्तार की इक्तदार की, इक्तदार को इतारहफूज रखने के लिए कोशिशें देखिएगा आप दूसरा वफद तैयार किया अब पैसों की मकदार कम कर दी दूसरा वफद जो तैयार किया वो किया चालीस अफराद का पहले दस अफरा जो थे वो जरा बर्जस्ता शख्सियात थी अब अगले मरहले पर अपने दूसरे बेटे अरबा के जरिए से चालीस अफराद पर मुश्तमिल वफद भेजा ये चालीस अफराद पर मुश्तमिल वफद जब अमीर शाम के दरबार में आया और आने के बाद इन्होंने खुतबे पढ़े हैं इन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए कुछ हदूद शहूर बनाई जाए हमारे लिए कुछ ऐसा तय कर दिया जाए कि तुम्हारे जाने के बाद उम्मत मुसलिमा को उम्मत मोहम्मदिया को कोई मुश्किल पेश ना आए तो पूछा कि तुम्हारी नजर में कौन है कौन सी ऐसी शख्सियत है कहा यजीद आ, मुआविया खुश हुआ, खुश हुआ खुश होने के बाद और वो तमाम मसाइल जो गुफ्तगु उनके साथ हुई उर्वा को यानी मुगेरा के दूसरे बेटे को तन्हाई में ले जाकर पूछा इनका दीन कितने में खरीदा पहले वाले तीस हजार में थे हैरत देखिएगा आप कितने सस्ते होते चले जा रहे हैं दीन की हालत क्या हो रही है इनको कितने में खरीदा कहने लगा इनको चार सौ दिनार में हर आदमी को चार सौ अरबा में आ, चार सो दिए गए और दिन बेच के इस तरह से आ गए और कमाल की बात यह है, हैरत की बात यह है कि इनमें से जो शख्स भी खुतबा पढ़ने के लिए खड़ा होता था वो ये कहता था कि मैं उम्मत मोहम्मदिया की इसलाह के लिए उम्मत मोहम्मदिया की बेहतरी के लिए यहां आया हूं जो लोग इस सारे सिलसिले को चला रहे हैं वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमने क्या शिगाफ ईजाद कर दिया है हमने कैसी जरब लगाई है इस्लाम के दामन पे और ये लोग चार सौ दीनार के लिए क्या कह रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदिया की असलाह के लिए नहीं मालूम उम्मत मोहम्मदिया का मतलब ये अपनी जात लेते थे ये है एक तरफ सिलसिला बिन अभी के जो इकदाम हैं वो मैं बयान नहीं करता मदीने से वफूत बनाए गए हैं खतूत लिखे गए हैं तमाम वालियों को और उनको कहा गया है कि अपने अपनी जानब से वफूद भेजो हर रोज हर चंद दिन के बाद दमिश्क में मुआविया के दरबार में वफद आया करते थे और उनको पैसा दिया जाता था दीनार दिए जाते थे अः खिलातें अता की जाती थी जिसके नतीजे में यजीद की बेहद के लिए फिजा साजगार की जा रही थी और उससे बढ़कर चंद एक इकदाम की जानब और इनशाला मैं इशारा कर दूं उससे भी बढ़कर वो तमाम शख्सियात जिनसे इख्तलाफ जिनकी जानिब से इख्तलाफ का ख़तरा था उनसे मशवरा किया जाता था उनसे जो मशवरा किया जाता था उनको खौफ भी दिलाया जाता था डराने के लिए खौफ जदा करने के लिए और उनको रास्ते से हटाने के लिए ये एक फहरिस्त है सहाब कराम के उन फरजंदों की कि जिनको यजीद को वली अहद बनाने से विलायत अहद यजीद का मसाला कोई एक दो दिन का मसाला नहीं है ये मसाला उस वक्त से शुरू नहीं हुआ कि जब यजीद का खत आया था और अमीर शाम के मरने की खबर दी गई थी हमारे जहनों में आम तौर पर यही तस्वर पाया जाता है कि विलायत अहद यजीद का पता उस वक्त कौम को चला कि जब इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए मदीने में खत आया नहीं हरगिज ऐसा नहीं है ये मसला तकरीबन उम्मत मुसलिमा पर छह साल या चार साल तक गालिब रहा है आए दिन लोगों से बेयत ली जाती थी आए दिन लोगों को हाजिर किया जाता था मुख्तलिफ लोगों को डराया धमकाया जाता था कितने ही सहाबा की ऐसी औलादे हैं ऐसी शख्सियात हैं ऐसे बेटे हैं जिन्हें रास्ते से हटा दिया गया यह उम्मत मुस्लिम पर कुछ कम मुसीबत नहीं थी ये तारीख करबला का हिस्सा है अब्दुल्लाब ने जुबैर से मशवरा किया अमीर शाम ने आप देखिएगा कि किस तरीके से पेश आया जाता था उन्होंने कहा कि तुम अगर करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मशवरा जो होता है वो इकदाम से पहले होता है एक और दूसरी बात ये कि इकदाम से पहले सोचा जाता है तफक् होता है उन्होंने अरबी में इस तरीके से और शर्मिंदगी से बचने से पहले इकदाम से पहले मशवरा करें और शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले सोच लें ये जुमले उन्होंने अदा किए अरबी में बड़ी ख़ूबसूरत सी इबारत बनाकर जिसमें काफ़िया और बड़ा मिला वो शेर नहीं होता लेकिन मुसजा और मुकफ़ा गुफ्तु उसको कहा जाता है तो जैसे ही इन्होंने ये कलाम किया और गोया के अपनी नाराजगी का इजहार किया तो अमीर शाम ने कहा कि लोमड़ी यह अरबी की इबारात हैं यह तारीख इस्लाम में किताबों में लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को लोमड़ी की नस्बत दी कि ओ लोमड़ी तुमने बुढ़ापे में मुसज्जा और मुकफा गुफ्तु करना सीख ली इस तरह से तोहन की जाती थी डराया जाता था और एक तकलीफ़ दे मरहला एक तकलीफ़ दे चीज़ तारीख़ के अंदर इतनी ज़्यादा हैं कि अगर बयान करना शुरू करूं तो शायद सिर्फ इसी खिलाफत यजीद पर चंद मजालस और चंद दिन गुफ्तु करना पड़ेगी कि क्या क्या जुल्म हैं जो उम्मत मुसलिमा पर नहीं ढाए गए कौन कौन सी ख़यतें हैं जो मुसलमानों के साथ नहीं की गई उनमें से एक नमूना मैं बयान करने से पहले आपको अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत का एक वाक्य आप लोगों ने सुना हुआ है अमीरुल अमीर उलमोमिनलाम फरमाते हैं कि दुनिया कितनी पस्त हो चुकी है जमाना कैसा बदल चुका है कि मुझे और अमीर शाम को बराबर करके गुफ्तु की जाती है ये जुमला सुना हुआ है आपने के जमाना कहाँ पहुंच गया है यह कैफियत अमीरमोम ने लोगों की जहनीत बताई है कि लोग ज़हनी तौर पर कहां पहुंच चुके हैं पस्ती के किस आलम में पहुंच चुके हैं कि मुझे किस शख्स के साथ मवाज़ना किया जा रहा है मेरा तस्करा मेरा नाम किस शख्स के साथ लिया जा रहा है मुझे किसकी बराबरी पर ले आए हैं यह अमीर उलमोमिन का गम था यह अमीर सलाम का दुख था लेकिन याद रखिए इस इस हकीकत को अपने जहनों में महफूज रखिएगा मैं जिस वाक्य की तरफ लेकर जा रहा हूं उससे पहले एक उसूल बयान कर दूं कि जब कोई चीज इनहताज की तरफ चलती है अगर आप पानी को बुलंदी से नीचे की तरफ गिराएंगे तो पानी हमेशा नीचे नीचे से नीचे की तरफ चलता चला जाएगा अगर ढलान पे किसी गेंद को किसी चीज को छोड़ेंगे तो वो पस्ती से पस्ती की तरफ चली जाएगी यही हाल उम्मत मुझे किसके साथ, किस साथ मवजना किया जा रहा है अब मैं आपके सामने एक वाक बयान करता हूं कि हज के बाद अमीर शाम मदीने में आया और मदीने में आने के बाद बेत लेना शुरू की लोगों से लोगों के सामने यजीद की तारीफें शुरू कर दी यजीद के फजाइल बयान करने शुरू कर दिए यजीद की अहमियत बयान करना शुरू कर दी यहां तक के इमाम हुसैन असलातम ने खड़े होकर एहतजाज किया और माविया ने जो इदा किया था कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में यजीद से बेहतर कोई है ही नहीं ये मुआविया ने अमीर शाम ने मुसलमानों में जहाँ पर तमाम के तमाम सहाबा के बड़ी बड़ी जलील हस्तियाँ बैठी हुई थी बड़े बड़े अज़ीम लोग बैठे हुए थे उनके दरमियान बैठ के कहता है कि यजीद से बढ़कर कोई है ही नहीं इससे बढ़कर कोई अफजल ही नहीं है तो उस पर इमाम हुसैन आसलाम खड़े हुए और कहने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो यहाँ यजीद से अफजल कोई नहीं है यजीद के बाप से अफजल हैं यहाँ ऐसे अफराद यहाँ मौजूद हैं कि जिनका बाप यजीद के बाप से अफजल जिनकी माँ यजीद की माँ से अफजल जिनका आबाओ अजदाद यजीद के आबाओ अजदाद से अफजल तो माविया कहता है कि मेरा ख्याल है तुम अपने आप को कह रहे हो अब देखिएगा कि इन हितात की सूरत हाल देखिएगा पस्ती की सूरत हाल देखिएगा कि कहाँ चली गई है उम्मत मुस्लिमा कहता है जहां तक तुम्हारी माँ का ताल्लुक है हाँ तुम्हारी माँ बिनते मजदल से अच्छी हैं अफजल हैं नसायब कुरैश में से हैं कुरैशी औरतों में से हैं मैं वाक ये मसाइब है ये गिरिया है कि सैदा को इस तरह से अफजल कहा जा रहा है और रही बात तुम्हारे बाप की तो तुम्हारा बाप और इसका बाप एक हकमियत में शरीक हुए थे तो अल्लाह ने इसके बाप को अफजल करार दिया ये एक बड़ी पस्ती की बात है यह अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बयान कर पाऊं कहता है कि हकमियत में एक जगह मैं और तुम्हारा बाप इकट्ठे हुए थे वहां पर हकमियत का नतीजा ये निकला था कि इसका बाप यानी मैं अफजल हो गया था और जहां तक तुम्हारी बात है तो तुम तो इस के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूं यह क्या हुआ है कि कहां उम्मत मुस्लिमा की पस्ती की हालत यह हो चुकी थी कि अमीर शाम के साथ अलीब ने अभी तालिब का मुकायसा किया जा रहा था और लोग खामोश थे अली गिरिया कुना थे शख्सियात गिरिया कुना थी और आज उसी मदीने के अंदर बैठकर एक एक शख्स अमीर शाम यह कह रहा है कि मैं अली से अफजल हूं जब सूरत हाल ये होगी तो मैंने अर्ज किया था कि फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी ये कुर्बानियों को भुलाया गया है ये उन ख़िदमात को भुलाया गया है जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए अंजाम दी थी जब इन खिदमात को भुलाया जाएगा जब इन चीज़ों को फरामोश कर दिया जाएगा तो उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी ये खिलाफत वक्त नहीं गुजरा कुछ ही वक्त बाद खत लिखा गया एक खत आया रात की तारीकी में इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है इबाद इबादत में मशहूल हैं और भी साहब कराम मौजूद हैं अब्दुल्ला इबन जुबैर भी बैठे हैं ईशा की नमाज के बाद बैठे हुए हैं कि मदीने के वाली वलीद का कासिद आता है और कहता है कि आप दोनों शख्सियात को हाकिम ने बुलाया है हाकिम के बुलाने का वक्त आम तौर पर दिन में हुआ करता था इमाम ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कोई खबर हो गई है कोई हादसा हो गया है जिस पर हमें बुलाया गया है अब्दुल्लाबन जुबैर ने भी अपने खदशे का इजहार किया कि हां लग रहा है कि अमीर शाम दुनिया से रुखसत हो गया है इमाम हुसैन ने कासिद से कहा कि तुम चलो हम अभी आते हैं इमाम हुसैन अपने घर की तरफ तशरीफ लाए बस जिक्र मुसीबत इंतहाई अख्तसार के सामने आप इंतहाई अख्तसार के साथ आपके सामने पेश करूँगा घर के दरवाजे पर सहन खाना में इशा की नमाज पढ़ कर बिनते अली इंतज़ार कर रही हैं कि कब भाई घर तशरीफ लाएँ और बीबी -बी उनके चेहरे की जियारत करे और उसके बाद अपने घर जाए जनाब सैदा जैनब की जिंदगी इमाम हुसैन की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई थी हुसैन के हर हर हवाले से हुसैन की जिंदगी का ख्याल रखना जैनब की जिंदगी का हिस्सा था आज जब नमाज इशा के बाद इमाम हुसैन घर में दाखिल हुए बीबी ने चेहरे इमाम की जियारत की देखा चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार हैं बीबी पूछती हैं कि भैया चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार क्यों हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं मौला कहते हैं कि बहन हाके में मदीना ने याद किया है हाके में मदीना ने इस वक्त बुलाया है बीबी कहती है भैया क्या इरादा है कहा कि मैंने कह कह दिया है मैं कह कर आया हूं कि मैं आऊंगा बीबी कहती हैं कि भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी भैया आपको अकेले दरबार में जाने नहीं दूंगी इसलिए कि इससे पहले जब भी हमारी जानिब से कोई अकेला गया है उसके साथ दरबार में अच्छा सलूक नहीं किया गया भैया एक मिनट के लिए आप दर दौलत पे जाके आप अंदरून खाना जाकर तैयारी करें लिबास बैतन करें मैं अभी ने बनी हाशिम को आवाज देती हूं बस ये कहना था बीबी ने सहने खाना के अंदर खड़े होकर आवाज दी ए अब्बास ए अली अकबर, ए मुस्लिम इब्ने अकील ए मोहम्मद इब्ने हनफिया ये आवाज बुलंद होना थी अजादारो दारो करें आप कि वो शख्सियत वो बीबी के जिसकी आवाज को कभी किसी ने दिन की रोशनी में ना सुना हो रात की तारीकी में अगर सहने खाना से जैनब कुबरा की आवाज बुलंद हो तो घर में क्या हालत होगी बनी हाशिम के घर के अंदर सूरत हाल ये थी कि सब दौड़ कर सहन खाना में तशरीफ लेकर आए सब पूछ रहे हैं कि बीबी क्यों याद किया ऐसा क्या हादसा हो गया है कि आपकी आवाज़ बुलंद हो गई अजरकमल हुसैन के कोई गम न दे बीबी -बी कहती हैं कि भैया हुसैन को हाकिम मदीना ने तलब किया है तुम सब लोग मेरे भाई के साथ दरबार में जाओ देखो कोई हुसैन पर आवाज़ बुलंद न करे बस आजादारा ने मजलूम करबला बाज़ रिवायात के मुताबिक तीस जवाना ने बनी हाशिम ने तलवारें अपने हमराह ली और इमाम हुसैन के साथ मिलकर चले हैं हाकिम मदीना के दारुल अमारा की तरफ दारुल अमारा में पहुंचे इमाम हुसैन ने कहा कि देखो तुम बाहर खड़े रहो जब मैं आवाज़ दूंगा जब मैं पुकारूँगा तब अंदर आना या अगर देखो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है तो अंदर चले आना बस ये कहकर इमाम दारुल अमारा के अंदर दाखिल हुए वहां पहुंचे हैं तो अमीर शाम की मौत की इतला दी गई वलीद ने मरवान पहले से मौजूद था जैसे ही ये इतला दी और साथ में बैत का मुतालबा किया तो इमाम ने कहा कि मुझ जैसे शख्स की खुफिया बेत छुप कर बेत कोई मुनासिब चीज़ नहीं है तुम बेत का ऐलान मजमु आम में करो जहाँ दूसरे लोग बैयत करेंगे वहाँ हम भी बैत के बारे में अपनी राय दे देंगे ये कहकर इमाम हुसैन वापस आने लगे तो मरवान ने मशवरा दिया कि हुसैन को जाने नहीं देना अगर हुसैन चले गए तो इसके बाद तुम हुसैन की धूल भी नहीं पा सकोगे बस ये कहना था कहने लगा कि हुसैन को या गिरफ्तार कर लो, हुसैन को कत्ल कर दो यहाँ से जाने ना देना ये सुनना था इमाम हुसैन सलाम ने बुलंद आवाज से कहा अ तख्तुलनी अपना जरक़ा ए जरक़ा के फर्जंद क्या तुम मुझे कत्ल करोगे बस हुसैन की आवाज़ का बुलंद होना था अवलोमन शाहरा सैफन वो शख्सियत जो सबसे पहले तलवार हाथ में लेकर अमारा में दाखिल हुई वो अली का शेर अब्बासबन अली था अजरकम मल्ला मौला सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना दे जैसे ही अब्बास इब्ने अली ने तलवार निकाली हुसैन ने अपना हाथ अब्बास के हाथ पर रख दिया भैया अब्बास हम जंग में पहल करने वाले नहीं हैं अपने हाथ को रोक लो अब्बास ये वो मकाम नहीं है जहां तुमने जंग करनी है मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा मौला यहां तो अब्बास को आपने रोक दिया लेकिन आज अब्बास के

पाक परवरदिगार तोजवास महमदाल मोहम्मद का हमारी इस कलील से इबादत को कबूल मंजूर फरमा परवरदारत जवाबास महम्मद मोहम्मद का वो तमाम अफराद जो इन मजालस अज़ा इन मारफ अहल बैत इनकी नशर इशात और गुस्तरिश और इनको इनकोम तक पहुँचाने के लिए कोशाँ परवरदगाराएँ इनकी दीनी दुनियावी हाजात को पूरा फरमा इनकी तोफ़ी खैर में इजाफा फरमा इलाहा ममिन की हिफाजत फरमा जहाँ जहाँ दुनिया भर में आज़ादारी इमाम हुसैन अलात वसलाम के मजालसु महाफिल हो रही हैं बार तमाम ममिन को तमाम मुसलमान को महफूज फरमा उन्हें ज़िक्र अहल बैत को अच्छी तरह से अदा करने की अंजाम देने की तोफ़ीकनायत फरमा परवरदारात जवास्ता महमदुआ महमद का इमाम असर अलाम को हमसे राज़ी व खुशनूत फरमा और हमारे इमाम की अपनी हजत कामिल का जहूर में ताजील फरमा बहत रहमर اللهم صل على محمد